नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। रेवाड़ी में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने छोटे भाई की पत्नी और दो भतीजों पर फायरिंग कर दी। इस वारदात में मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि घायल भतीजे को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की वजह घरेलू कहासुनी बताई जा रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी के ग्राम हांसावास में दिवाली की शाम को रिटायर्ड फौजी विक्रम ने अपने भाई की पत्नी संतोष और उसके बेटे शिवम और दूसरे भाई के बेटे अनुज को गोलियां मार दी। वारदात में 45 वर्षीय संतोष और 16 वर्षीय शिवम की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 11 वर्षीय अनुज घायल हो गया है। इसका गुरुग्राम के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली की शाम को आरोपी विक्रम नशे में धुत था और परिवार के बाकी लोग दिवाली के त्योहार को लेकर घर में पूजा की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान घरेलू कहासुनी के चलते विक्रम ने फायरिंग कर दी। विक्रम ने 4 फायर किए, जिसमें 1 हवाई फायर और 3 फायर भाई की पत्नी और बेटों पर किए। मृतका संतोष के पति की 5 साल पहले मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते ही उसने नशे में आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि विक्रम पहले भी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से लोगों को डराता और धमकाता रहा है। पटौदी थाने में उस पर पहले से केस भी दर्ज है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे कुछ बता पाएंगे। बहरहाल शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। आरोपी विक्रम के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। डीएसपी कोसली मुकेश कुमार ने बताया कि पहले पुलिस को कंट्रोल रूम पर सिर्फ अनुज को गोली मारने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची तो पता चला कि आरोपी विक्रम ने अपनी भाभी और उसके बेटे को भी गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस जब घर के भीतर घुसी तो आरोपी विक्रम हाथ में रिवॉल्वर लिए बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार मामला घरेलू विवाद का है। फिलहाल जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेना से रिटायर्ड होने के बाद विक्रम कई बार हवा में फायरिंग कर चुका है। उस पर पटौदी में एक केस भी दर्ज हुआ था। अब की बार इस सनकी रिटायर्ड फौजी ने खुद के परिवार के ही लोगों को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से निशाना बना डाला। विक्रम अपने परिवार में सबसे बड़ा है। उसके छोटे भाई विजय की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। अब उसकी विधवा पत्नी संतोष और बेटे शिवम को खुद विक्रम ने ही मौत के घाट उतार दिया। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। कैसे क्या हुआ ये और सर? ये शाम को हमको पता चले 6 बजे अब फायरिंग चली गई वहाँ पर, तो दोनों की लाश गिर गई, हमारे भतीजे की और हमारे दोहिता की। तो जब हमको पता चला, जब हमने नाइट में पता चला था। क्या कारण था? अब ये नहीं पता साहब कैसे हुआ। पहले भी इसने ऐसे कर रखा है, परिवार को जीने नहीं देता। ये कौन है? ये क्या? ये हमारे बहने हुए। इसके पास रिवॉल्वर तो थी पहले? हाँ, रिवॉल्वर पहले भी थी और अब भी है इसके पास। आप तो लिया ही पुलिस ने। पहले भूंडसी में भी बंद था ये। पहले भी इसने कोई काम किया था इससे आगे। तो क्या लगता है कि पहले क्राइम कर रखे उसके बावजूद फिर खुले में घूम के क्राइम कर रहा है यहाँ? पहले का मेरे को तो इतना पता नहीं है, पर हम गए थे भूंडसी इसको छुटाने के लिए गए थे, पर वहाँ पर हमको मिलने नहीं दिया। फिर बाद में इसको कैसे छुट्टा कैसे नहीं ये पता नहीं। कोसली में जो इंसिडेंट हुआ है हांसावास गांव में, ये क्या मामला है और अभी कहां तक पहुंची पुलिस की जांच इसमें? ये एक पारिवारिक मामला है। एक सर्विसमैन है कोई, उसने कल अपनी भाई की बहू को 2 बच्चों को गोली मार दी, जिनमें से उसकी भाई की बहू और एक बेटा है उसका, 2 एक्सपायर हो गए मौके पर। तीसरे को चोट है अभी, वो अभी ठीक है, उसके हालात है। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा भी डिस्प्यूट नहीं बताया, छोटी सी बात बोले, घर की कहासुनी का मामला बताया गया। अभी तक की तो जांच, और जांच में ये आया कि इनके घर में कहासुनी हुई। कहासुनी को लेके एक सर्विसमैन है, उसने अपनी लाइसेंस की असला उठाया और फायर कर दी धड़ाधड़ पे। तो रिवॉल्वर थी सर वो कैसी थी? वो उसका लाइसेंस की रिवॉल्वर है। कितने राउंड फायर हुआ? ये तो अभी पोस्टमार्टम से क्लियर होगा ना कितने निकले। महिला की और बच्चे की उम्र क्या है? महिला 45-40 साल की है, बच्चा 16-17 साल, और जो घायल है उसकी 10-11 साल उम्र है। क्या वो हॉस्पिटल में उपचाराधीन है? जो तीसरा है वो उपचाराधीन है, 2 अभी हॉस्पिटल में FIR दर्ज कर दिया है उसमें, और प्रयास किए जा रहे हैं शाम तक उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले एक महिला जो पति था उसने भी सुसाइड किया था, उसकी भी यही वजह थी घरेलू कलह। इस मामले में अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर पता लगेगा अभी इसने क्यों ये काम किया और पहले इनके घर में क्या चक्कर। उसको बताया जा रहा है जिसने मारने वाला जो विजय है विक्रम जो है, उसने पहले भी गांव में हवाई फायर करता था और 307 का उस पर मुकदमा दर्ज है पटौदी में। उसका आपराधिक बैकग्राउंड है वो गाँव के अंदर, तो अभी आज उसकी जाँच चल रही है। उसको अरेस्ट करेंगे ना तब सारी बात खुलासा हो जाएगा, उसके रिकॉर्ड भी देख लिया जाएगा उसमें कितने पहले उसने क्राइम कर रखा है। इसके अलावा 5 हत्याएं हुई हैं रेवाड़ी में,
जैसे रेवाड़ी शहर के अंदर चाकू मार के एक की हत्या कर दी गई, फिर कोसली में कल दिन दिहाड़े दो हत्याएं कर दी गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस तरह से घटना के तौर पर ऐसी घटना हो रही है। शहर के अंदर जो हत्या हुई है वो महज जैसे एक पारिवारिक मामला था, इस तरह उनका दोनों वो दोस्त थे, इकट्ठे बैठते उठते थे और खाना वगैरह भी इकट्ठा खा लेते थे। उस दिन भी उनकी छोटी बात को लेके कहा सुनी हुई है और कहा सुनी में उसने उसको चाकू मार दिया, उसको कल अरेस्ट कर लिया गया, उसके दो साथी और उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है जिनको अरेस्ट किया गया है इसमें और कितने लोग हैं? इसमें दो लोग और हैं, एक को अरेस्ट कर लिया गया, उसको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पुलिस लिया जाएगा उसको। और जो कोसली के अंदर दो युवकों की हत्या की गई, मिठाई खरीदने गए थे, उसके पीछे क्या रीजन कुछ अभी तक सामने निकल कर आया? अब वो कहाँ कैसी थी? वो उसका लाइसेंस की रिवॉल्वर है। कितने राउंड फायर हुआ ये तो अभी पोस्टमार्टम से क्लियर होगा ना कितने निकलेंगे। महिला की और बच्चे की उम्र क्या है? महिला 45-40 साल की है, बच्चा 16-17 साल, और जो घायल है उसकी 10-11 साल उम्र। क्या वो हॉस्पिटल में उपचाराधीन है? जो तीसरा है वो उपचाराधीन है, दो अभी हॉस्पिटल में FIR दर्ज कर दिया है उसमें, और प्रयास किए जा रहे हैं शाम तक उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले एक महिला के जो पति था उसने भी सुसाइड किया था, उसकी भी यही वजह थी घरेलू कलह। इस मामले में अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर पता लगेगा इसने क्यों ये काम किया और पहले इनके घर में क्या चक्कर। उसको बताया जा रहा है जिसने मारने वाला जो विजय है विक्रम जो है उसने पहले भी गांव में हवाई फायर करता था और 307 का उस पर मुकदमा दर्ज है पटौदी में। उसका आपराधिक बैकग्राउंड है वो गांव के अंदर, तो अभी आज उसकी जांच चल रही है, उसको अरेस्ट करेंगे ना तब सारी बात खुलासा हो जाएगा, उसके रिकॉर्ड भी देख लिया जाएगा उसमें कितने पहले उसने क्राइम कर रखा है। इसके अलावा 5 हत्याएं हुई हैं रेवाड़ी में, जैसे रेवाड़ी शहर के अंदर चाकू मार के एक की हत्या कर दी गई, फिर कोसली में कल दिन दिहाड़े दो हत्याएं कर दी गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस तरह से घटना के तौर पर ऐसी घटना हो रही है। शहर के अंदर जो हत्या हुई है वो महज जैसे एक पारिवारिक मामला था, इस तरह उनका दोनों वो दोस्त थे, इकट्ठे बैठते उठते थे और खाना वगैरह भी इकट्ठा खा लेते थे। उस दिन भी उनकी छोटी बात को लेके कहा सुनी हुई है और कहा सुनी में उसने उसको चाकू मार दिया है, उसको कल अरेस्ट कर लिया गया, उसके दो साथी और उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसको कौन है जिनको अरेस्ट किया गया है इसमें और कितने लोग हैं? इसमें दो लोग और हैं, एक को अरेस्ट कर लिया गया, उसको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पुलिस लिया जाएगा उसको। और जो कोसली के अंदर दो युवकों की हत्या की गई, मिठाई खरीदने गए थे, उसके पीछे क्या रीजन कुछ अभी तक सामने निकल कर आया? अभी तक उनके पीछे ये बात सामने आई है कि उनके आपस में पुराने एक दो बार लड़ाई झगड़े पहले हुए हैं और उनके केस भी चल रहे हैं, और उसी पुरानी रंजिश को लेके बच्चे वो यंग लड़के हैं, दोनों पार्टियों के आपस में पहले एक दो बार FIR दर्ज हुई है और झगड़ा चलता ही रहता है, तब कल उन्होंने इत्तफाक करने ही उनको आके गोली मार दी। ये कोई गैंगवार से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि दोनों जो आरोपी और जो शायद मरने वाले हैं उन दोनों पे आपराधिक मामले हैं आपस में। कॉलेज की कहासुनी चलती आ रही है उनकी, वो पढ़ते थे उस टाइम से, थोड़ा बहुत उनकी कहासुनी चलती आ रही है। उसमें कहाँ तक पहुँची सर पुलिस की जांच का अरेस्टिंग है उसमें भी कुछ पहुँच? उसमें अभी जांच चल रही है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए उनको। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।